नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं dilallantop.com। दिल्ली के साथ ही पूरा देश इस बार पटाखों वाली दिवाली मना पाएगा। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो 23 अक्टूबर को आया है, लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगा दी हैं और सबसे बड़ी शर्त यह है कि इस दिवाली पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दिया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला, हम आपको बताते हैं। दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे तक ही पटाखे जला सकते हैं। दिवाली के दिन पटाखे रात के 8 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर सिर्फ 30 मिनट तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात के 11:45 से रात के 12:15 तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। इस बार कम शोर वाले पटाखे ही बिकेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि ऑनलाइन कंपनियां जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट अब पटाखे नहीं बेच सकेंगी। जो दुकानदार भी पटाखे बेचेंगे उन्हें रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी दुकानदार पटाखे नहीं बेच सकेगा। सिर्फ वही पटाखे बेचे जा सकेंगे जिनसे पॉल्यूशन कम होगा। जो पटाखों वाली लड़ी हम अब तक जलाते आए हैं वो अब इस साल से नहीं जलाई जा सकेगी। पटाखे बनाने में जो हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल अब तक होता था उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ज़्यादा पॉल्यूशन वाले पटाखे न तो बनाए जाएंगे और न ही बेचे जाएंगे। इसके अलावा किसी भी धार्मिक उत्सव पर पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। और किसी भी धार्मिक उत्सव का मतलब हर त्यौहार से है। ये आदेश हर धर्म के त्यौहार पर एक समान लागू होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर और गलियों में पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, और अगर इस आदेश का पालन नहीं होता है तो इसके लिए संबंधित थाने का SHO जिम्मेदार होगा और उस पर कार्रवाई होगी। ये तो रहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लेकिन अब ये आदेश क्यों आया है इसे भी जान लीजिए। दिल्ली और NCR में पटाखे की वजह से हो रहे पॉल्यूशन को लेकर 2016 में दिवाली के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 9 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इस आदेश के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिवाली के बीत जाने के बाद यानी कि 1 नवंबर 2017 के बाद फिर से पटाखे बेचे जा सकेंगे। दिल्ली NCR के साथ ही कोर्ट का ये फैसला दूसरे राज्यों पर भी लागू होने था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया। जब बैन लगा दिया तो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और अब रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हुई। इसके बाद 28 अगस्त 2018 को जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने पटाखों वाले मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा तो इस फैसले को देने से पहले पटाखा बनाने वालों और पटाखा बेचने वालों की रोजी रोटी के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखना होगा, और इसके अलावा देश के 125 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार को भी ध्यान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है और ये अधिकार देश के हर आदमी पर लागू होता है, इसलिए पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सिर्फ 2 घंटे आप दिवाली पर पटाखे जला सकते हैं। इसकी वजह से पर्यावरण को भी उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना हर साल पहुंचता है, और लोग राजी खुशी अपनी दिवाली भी मना सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमारे और आपके लिए है। इसका पालन करने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करिए, 2 घंटे तक पटाखे चलाइए और अपनी दिवाली मनाइए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए dilallantop.com। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। अगर आप इसका यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, उसे डाउनलोड करिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए dilallantop.com। शुक्रिया।